मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर विल को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट होता है और वो अपनी वाइफ एवलिन के साथ रह रहा होता है। और आज विल के लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है और विल अपनी वाइफ के साथ एक सेमिनार में जाता है जहां पर वो लोगों को बताता है कि वो एक ऐसा कंप्यूटर बना रहा है जो इंसान के दिमाग का 100% यूज कर सकता है। और विल के पास उसकी पूरी टीम है जिसमें उसकी वाइफ एवलिन है और वो भी एक साइंटिस्ट है और उनकी एक और टीम का मेंबर जिसका नाम मैक्स है। और विल लोगों को बताता है कि आज तक ऐसा कंप्यूटर किसी ने भी नहीं बनाया है और ये कंप्यूटर अपने आप में एक गॉड होगा यानी कि इंसानी गॉड। और उस सेमिनार में RIFT ऑर्गेनाइजेशन के लोग बैठे हुए होते हैं जो विल के इस काम के खिलाफ होते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि ऐसा कंप्यूटर जो बना लेगा वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा और वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होने नहीं दे सकता। और जब विल सेमिनार खत्म करके जा रहा होता है तो एक आदमी विल को शूट करता है और गोली विल को छू कर चली जाती है और वो आदमी खुद की जान ले लेता है। और जब विल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो मैक्स उसे बताता है कि जहाँ पर भी AI तकनीक का सेमिनार था उस जगह पर अटैक हो गया है। इसके बाद विल FBI की टीम से जाकर मिलता है जिसमें जोसेफ और एक एजेंट होता है और वहीं विल के सेमिनार को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और फिर एजेंट उन्हें RIFT के बारे में बताता है कि ये लोग एक टेररिस्ट ग्रुप है, इससे तुम्हें बचकर रहना होगा। और फिर विल जोसेफ और एजेंट की सुपर कंप्यूटर दिखाता है जो उन्हें देखने के साथ उनकी आइडेंटिटी बताने लगता है। तो जोसेफ बहुत ही ज्यादा खुश होता है और जब विल घर पर होता है तो उसकी तबीयत खराब होती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। और विल को पता चलता है कि उसे जो गोली छू कर गई थी वो एक रेडियो एक्टिव गोली थी जिस वजह से उसके ऑर्गन अब काम करना बंद कर रहे हैं और अब विल ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 हफ्ते तक ही जी सकता है। और धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगते हैं और एवलिन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अब आखिर क्या करना चाहिए और वो विल की हालत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। और तभी एवलिन मैक्स के पास जाती है और वो मैक्स से कहती है कि हमें विल के दिमाग को जिंदा रखना होगा यानी कि हम उसके दिमाग को सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट करके जिंदा कर सकते हैं। हालांकि विल का शरीर तो मर जाएगा मगर हमारे पास विल का दिमाग और उसकी सोचने की क्षमता होगी। तब मैक्स इस एक्सपेरिमेंट को करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे इस काम में बहुत ज्यादा खतरा नजर आता है। और जब विल को ये बात पता चलती है तो वो इस काम को करने के लिए मैक्स को मना लेता है। इसके बाद वो तीनों एक खुफिया जगह पर इस काम को अंजाम देने लगते हैं और विल के दिमाग को सुपर कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं और दुनिया भर की जितनी जानकारी होती है वो सभी जानकारी मैक्स और एलविन विल के दिमाग में डालते हैं। मगर एक्सपेरिमेंट पूरा होने से पहले ही विल की मौत हो जाती है और एवलिन और मैक्स बहुत ज्यादा रोते हैं। अब इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और एवलिन और मैक्स लैब में बैठे हुए होते हैं मगर उनका सुपर कंप्यूटर काम नहीं कर रहा होता है। और जब सुपर कंप्यूटर बंद होता है तो बिना पावर के उस पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो। तभी एवलिन और मैक्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अब स्पीकर के थ्रू विल उनसे बात भी कर पा रहा था और विल एवलिन से गवर्नमेंट के नेटवर्क का एक्सेस मांगता है तो मैक्स एवलिन को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि विल पूरी दुनिया की जानकारी अपने दिमाग में चाहता था। और मैक्स को सब कुछ अजीब लगता है और उसे ऐसा लगता है कि इससे पूरी दुनिया में कहर आ जाएगा। और एवलिन को मैक्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मैक्स को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब जब मैक्स बार में बियर पी रहा होता है तो वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम ब्री होता है और वो मैक्स से कहती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। दरअसल वो RIFT ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर होती है और उसके साथ ही मैक्स को किडनैप कर लेते हैं और उसे एक जगह पर लेकर जाते हैं। अब उन लोगों को पता चल जाता है कि एलविन ने विल के दिमाग के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था वो उसमें अब सफल हो चुके हैं और अब वो एवलिन पर अटैक करने जाते हैं। तब एवलिन उन्हें आते हुए देख लेती है और वो इंटरनेट से विल को कनेक्ट करती है और उसे पूरी दुनिया में ऑनलाइन कर देती है। जब वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहाँ पर आते हैं तो एवलिन सारा डाटा विल के दिमाग में डालकर वहाँ से चली जाती है और अब विल के पास दुनिया की सारी जानकारी होती है और अब विल एवलिन को एक सेफ जगह पर जाने के लिए कहता है। इसके बाद FBI के सिस्टम पर सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की जानकारी आने लगती है और उन्हें लगता है कि किसी ने उनके सिस्टम को हैक कर लिया है। तब जोसेफ कहता है कि कोई हमारी मदद कर रहा है। इसके बाद FBI एक एक करके सभी RIFT के लोगों को पकड़ने लगती है जिसके बाद एवलिन मार्टिन नाम के एक आदमी के पास जाती है और वो उसे कहती है कि तुम चाहे जितना पैसा ले लो मगर मुझे एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर बनाकर दो। और दूसरी ओर ब्री मैक्स को सोर्स कोड को बंद करने के लिए कहती है। तब मैक्स ब्री की मदद नहीं करता। इसके बाद 2 साल गुजर जाते हैं और एवलिन ने पूरा एक रिसर्च सेंटर बना लिया होता है और उसे ऑपरेट विल कर रहा होता है। इसके बाद मैक्स RIFT के लोगों के साथ हो जाता है और वो विल को रोकने का एक सही समय ढूंढता है और हम रिसर्च सेंटर में एवलिन को देखते हैं और उस जगह पर पेड़ों को नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से जल्द
जल्द से जल्द उगाया जा रहा था और विल ने हर एक बीमारी का इलाज ढूंढ लिया होता है और उसकी हर एक चीज का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है। यहाँ तक विल लोगों के हार्मोन्स को भी कंट्रोल कर सकता है और पता नहीं क्यों एवलिन को इस बात की ज्यादा खुशी नहीं हो रही थी। इसके बाद मार्टिन के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, तब दो आदमी मार्टिन को जख्मी करके उसके पैसे छीन लेते हैं और मार्टिन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, तो उसे रिसर्च सेंटर लाया जाता है और विल अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से मार्टिन को बहुत जल्द ठीक कर देता है और अब मार्टिन खुद को पहले से भी ज्यादा बेहतर पाता है। अब जब एल्विन मार्टिन से मिलती है तो वो देखते हैं कि मार्टिन पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है और विल मार्टिन के दिमाग में घुसकर एवलिन से बातें करने लगता है, जिससे एवलिन को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और वो एवलिन को छूने की कोशिश भी करता है, मगर एवलिन उससे दूर जाने लगती है और वो सोचती है कि अगर विल ने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया तो फिर क्या होगा। और रात में एवलिन को बार बार बुरे सपने आने लगते हैं। इधर मार्टिन ने अपने वीडियो को वायरल कर दिया था, जिस वजह से RIFT और दुनिया के सभी लोगों को उस रिसर्च सेंटर के बारे में पता चल जाता है और विल एवलिन से कहता है कि हमारी ताकत को दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती और अब वक्त आ चुका है कि हमें दुनिया को बताना होगा कि हम कितने ताकतवर हैं। और जब हर इंसान को इस रिसर्च सेंटर के बारे में पता चलेगा तो वो अपनी बीमारी के इलाज के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। हालांकि एवलिन इस चीज को देखकर घबराने लगती है और विल जो कि एवलिन के हार्मोन्स को भी चेक करके पता करता है कि एवलिन अब उसका साथ नहीं देने वाली। और तभी वहाँ पर एजेंट और जोशे पाते हैं जो एवलिन से मिलते हैं। एवलिन उन दोनों को सुपर कंप्यूटर विल से मिलाती है और वो दोनों विल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और विल एक अंधे आदमी की आंख को ठीक करता है और अब विल हर किसी पर अपना कंट्रोल पाना चाहता था और ये बात जोसेफ समझ जाता है, जिसके बाद जोसेफ जाते जाते एक चिट्ठी एवलिन को देता है जिसमें लिखा होता है कि इस जगह को छोड़कर चले जाओ। और फिर जोसेफ और एजेंट RIFT वाले लोगों के साथ मिल जाता है और वहाँ पर मैक्स भी मौजूद होता है। दरअसल उनसे मिलने का प्लान मैक्स ने ही बनाया था और वो विल की लैब को उड़ाने का फैसला करते हैं, जिससे विल लोगों पर कंट्रोल करना छोड़ दे। और फिर हम एजेंट जोसेफ और मैक्स को देखते हैं जो एक अंदर ग्राउंड टनल बना रहे होते हैं ताकि उस जगह को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए। और हम एवलिन को देखते हैं जो अब विल को छोड़ के जाना चाहती है, मगर विल एवलिन से कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तब एवलिन कहती है कि तुम हकीकत में एग्जिट नहीं करते और तुम बस लोगों पर अपना कंट्रोल पाना चाहते हो। और फिर एवलिन वहाँ से चली जाती है और RIFT के लोग उस जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं जहाँ पर सैटेलाइट के आउटडोर होते हैं। और जब एवलिन बाहर होती है तो वहाँ पर एक आदमी और उसकी वर्कर आ जाते हैं जो कि सभी विल के कंट्रोल में होते हैं और मैक्स RIFT के लोगों के साथ काम करने लगता है और वो एवलिन को अपने पास बुलाता है। और विल ने जिस आदमी पर अपना कंट्रोल किया होता है, मैक्स उसके हाथ पर गोली चलाता है लेकिन जमीन से कुछ चीज निकलती है और उस आदमी का हाथ अपने आप से ठीक हो जाता है। और सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और अब वो सभी लोगों को कितना भी मारा जाए मगर वो फिर से ठीक हो जाते हैं। तब मैक्स और कुछ लोग टनल में फिर से चले जाते हैं और वहीं पर कुछ FBI एजेंट के पीछे भी विल के आदमी पड़ जाते हैं और वो सभी एजेंट्स मारे जाते हैं, जिसके बाद एवलिन विल को ये सब करने से मना करती है। और मार्टिन जो कि मैक्स के पीछे टनल में चला जाता है, मगर उसे पकड़ लिया जाता है और मार्टिन का कनेक्शन विल से टूट जाता है और अब विल दुनिया के पूरे पॉपुलेशन को खत्म कर देता है, जिससे दुनिया की सारी बीमारी चली जाती है और कोई भी इंसान बीमार नहीं होता। और वो एवलिन से कहता है कि ये एक इवोल्यूशन है और अब वो पृथ्वी पर इंसानों की नई जनरेशन को बसाएगा। और एवलिन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद एवलिन एक होटल में होती है तो वहाँ पर FBI एजेंट आते हैं और वो एवलिन को अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ पर जोसेफ पहले से मौजूद होता है और एवलिन जोसेफ की बातों को मानकर उनका साथ देने का फैसला करती है। और वहाँ पर मैक्स भी होता है और वो एवलिन को बताता है कि विल अननेचुरल तरीके से इस दुनिया के पॉपुलेशन को खत्म कर रहा है और अगर वो ऐसा करता रहा तो दुनिया में ऑर्गेनिक चीजें कुछ भी नहीं बचेगी। जिसके बाद मैक्स एवलिन को बताता है कि उसकी टीम ने एक ऐसा वायरस बनाया है जिससे वो विल के सुपर कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं और हमेशा के लिए विल का सुपर कंप्यूटर डीएक्टिवेट हो जाएगा। तब एवलिन कहती है कि मैं इस वायरस को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती हूँ और जब विल उसके दिमाग से कनेक्ट होगा तो विल का सोर्स कोड डिलीट हो जाएगा, जिससे विल भी इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से दुनिया का इंटरनेट खत्म हो जाएगा क्योंकि विल ने पूरी दुनिया के इंटरनेट का एक्सेस अपने पास ले लिया होता है। और फिर एवलिन उस वायरस को खुद में इंजेक्ट करती है, लैब की तरफ जाती है तो उसे वहाँ पर विल दिखता है और विल ने खुद को रेजोनेट किया होता है। और एवलिन जो कि विल को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो विल को गले लगाती है और अब उसे विल को मारना होता है। और दूर से भी एजेंट विल को देख के हैरान होते हैं और वो सोचते हैं कि विल ने खुद को कैसे बनाया। और एवलिन विल से कहती है कि तुम मुझे अपने माइंड से कंट्रोल कर लो, तो विल इसका जवाब नहीं देता और वो एवलिन को जाने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पर खतरा होता है और FBI का प्लान फेल होता है, इसलिए वो विल को उसी रूप में मारने का फैसला करता है। और RIFT की टीम विल पर अटैक करती
जाती हैं, लेकिन उस अटैक में एवलिन जख्मी हो जाती है और विल उसे लैब में लेकर आ जाता है। और विल ने जितने भी लोगों पर कंट्रोल किया था सभी लोग RIFT और FBI पर अटैक करते हैं। और तभी एक आदमी मैक्स को मारने वाला होता है और एवलिन बहुत ही ज्यादा जख्मी होती है। तो विल कहता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी में वायरस है। और एवलिन विल से कहती है कि हमने इस लैब की शुरुआत की थी और अब हमें इसे खत्म करना होगा, नहीं तो मैक्स भी मौत मारा जाएगा। और फिर विल उस वायरस को खुद में इंजेक्ट कर लेता है जिससे सभी लोग ठीक हो जाते हैं और ये पूरी दुनिया नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद विल एवलिन से कहता है कि मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करना चाहता था और तुम चाहती थी कि दुनिया का इकोसिस्टम ठीक हो जाए और इंसानों ने इसे खराब करके रखा होता है, क्योंकि विल इंसानियत का भला करना चाहता था। और ये बात एवलिन समझ जाती है। और इसके बाद विल एवलिन से कहता है कि तुम हमारे गार्डन के बारे में सोचो। और फिर एवलिन और विल दोनों मर जाते हैं और उनकी मौत के साथ ही पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी खराब हो जाती है। और फिर हम 5 साल बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पर मैक्स विल के घर पर जाता है और उसे 2 सूरजमुखी के फूल दिखते हैं और उनमें से पानी गिर रहा होता है जिससे जमीन साफ हो रही होती है। और मैक्स समझ जाता है कि सूरजमुखी के फूल के अंदर नैनो पार्टिकल्स हैं और उस फूल में एवलिन और विल का अंश है और वो जगह कॉपर के तारों से प्रोटेक्टेड होती है, क्योंकि विल एवलिन के साथ उस बगीचे में रहना चाहता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।